मैं पूनम पूनम फिल्म किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं नवरात्रि के उपलक्ष्य पर एक नमकीन की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम ये नमकीन बनाएंगे, आलू की लच्छे वाली नमकीन। बहुत ही अच्छी बनती है और सबसे अच्छी बात है इस नमकीन की कि आप इसको एयरटाइट बॉक्स में रखकर महीनों तक खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बनेगी और इसको नवरात्र में व्रत में जरूर बनाइए। चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें। नमकीन के लिए मैंने ये मीडियम साइज के पोटैटो लिए हैं, इनको छील लिया है। ये कच्चे पोटैटो हैं, बॉयल पोटैटो नहीं यूज करने इसमें हमें। और कुछ करी पत्ते लिए हैं, ये सेंधा नमक लिया है। ये आज हम व्रत के लिए बना रहे हैं, नवरात्र आ रहा है तो नवरात्र में आप इसको बनाकर खाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, चटपटा सा। और कुछ मूँगफली है, कच्ची मूँगफली के दाने। और ये मैंने ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। आप ऐसे भी इस नमकीन को बना सकते हैं लेकिन ये फास्टिंग के लिए है तो मैं इसलिए सेंधा नमक और ब्लैक पेपर का यूज़ कर रही हूँ। अब एक बाउल में हम पानी लेंगे। पानी आप ज़रूर यूज़ करें क्योंकि हम इसको ग्रेट करेंगे पोटैटो को, तो जो ग्रेटर होता है उसका बड़ा वाला भाग हमें यूज़ करना है, हमें बड़े लच्छे चाहिए। तो इसको इस तरीके से आलू को लें और इस तरीके छील लें। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह के लच्छे बनकर आएंगे। और बस इसी तरीके से आप सभी पोटैटो को ग्रेट कर लें। देखिए मैंने आलू को अच्छे से ग्रेट किया है और इसको 4-5 बार पानी से अच्छे से वॉश किया, जिससे क्या है इसका स्टार्च पूरा निकल गया है और इस तरीके से ये हो गए हैं। लेकिन अभी भी इसमें क्या है, काफ़ी पानी होगा क्योंकि मैंने हाथ से इसको निचोड़ दिया, छन्नी से निचोड़ा है, लेकिन पानी तो रह ही जाता है। तो इसको इस तरीके से कॉटन के कपड़े में आप निकाल लें सभी को, इस तरीके से आप इस तरह फैला दीजिए इसको। जो भी ये एक्स्ट्रा पानी होगा वो ये कॉटन का कपड़ा है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और थोड़ा सा इस तरह दबा दबा के इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो आप इसका हटा दीजिए जितना पॉसिबल है उतना। इस तरीके से ये मैंने एक कॉटन के कपड़े से बिल्कुल साफ कपड़ा यूज़ किया है और इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल गया है। अब इसको एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। इस तरीके से बहुत ही अच्छी नमकीन इससे बनकर रेडी होती है। तेल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, इसमें एक ये डालकर देखते हैं। ये देखिए तेल गर्म हो गया है, अब हमें इन्हें फ्राई करना है तो इनको हम डाल देंगे इस तरीके से। गैस का फ्लेम स्लो टू मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्लो में मत बनाइएगा नहीं तो ये क्रंची नहीं बनेंगे। और इसको हल्का सा आप स्पैचुला की हेल्प से या जो छन्नी है उसकी हेल्प से आप हिला दें इस तरीके से। ये देखिए इनमें गोल्डन कलर आ गया है और बस इसको इस टाइम इसी तरीके से आप इसका एक्स्ट्रा ऑयल छन्नी को इस तरह से कर दीजिएगा, निकल जाएगा। और इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। इसी तरीके से बचे हुए भी जो आलू के लच्छे हैं उनको निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा और जो भी आप स्टार्टिंग में इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब हमने इसको वॉश किया था लच्छों को तो इसका पूरा स्टार्च निकाल दें जितना पॉसिबल है, तो जिससे कि हमारे लच्छे बिल्कुल गोल्डन कलर के बनेंगे, नहीं तो इनमें कलर ब्लैक हो जाएगा, फिर ये देखने में नहीं अच्छे लगेंगे। टेस्ट तो सही रहेगा बट देखने में उनका लुक अच्छा नहीं आएगा। आलू के लच्छे सभी फ्राई हो गए हैं, अब मूंगफली हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम इसमें डाल देंगे और इनको भी फ्राई कर लेंगे ऐसे करके। इनमें चटपट की आवाज़ आएगी, बहुत अच्छे से पता चल जाएगा आपको कि हमारी मूँगफली भी अच्छे से फ्राई हो गई है। मूंगफली फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा, तभी वो अच्छे से पकेंगी और क्रिस्पी हो जाएंगी, नहीं तो ऊपर से तो पक जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा बट अंदर से वो कच्ची रहेगी, फिर मूंगफली में अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। मूंगफली हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, इनका हल्का हल्का कलर भी चेंज हो गया है, बस इतना ही हमको करना है, बस इसको भी टिश्यू पेपर लगा के निकाल लें। अब जो करी पत्ता है उनको भी थोड़ा सा हम इसे हम फ्राई कर देंगे, तो बहुत संभाल के करें, बस ऐसे ही कर दें। ये देखिए हमारे करी पत्ते भी बढ़िया हो गए हैं, इनको भी हम साइड में निकाल लेते हैं। लच्छे हमारे ठंडे हो गए हैं ये देखिए, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इनकी आवाज बहुत अच्छे बनकर रेडी हुए हैं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। अब इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे
हाफ स्पून इसमें हम ये सेंधा नमक डालेंगे। इससे क्या है, बहुत अच्छी हमारी नमकीन रेडी होगी और व्रत में आप इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। हाफ स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 स्पून ये डालेंगे हम अमचूर पाउडर, जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है बस वही, और लास्ट में मिला देंगे जो हमने फ्राई किए हैं करी पत्ते वो। उससे क्या है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है नमकीन का। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, आपकी व्रत में खाने वाली नमकीन बिल्कुल चटपटी सी रेडी हो जाएगी। जब भी आपका मन करे आप इसको चाय के साथ एंजॉय करें या ऐसे ही खाएं, क्योंकि व्रत में तो बहुत मन करता है नमकीन खाने का। तो इस तरीके से आप घर पर आसानी से नमकीन बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसको आप व्रत में और जो आने वाला हम लोगों का फेस्टिवल है नवरात्र, उसमें ज़रूर ट्राई करें। आपको अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली जो रेसिपीज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।